हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट एमसीक्यू एंड फिलअप फ्रॉम लेसन 6, एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल्सो एमसीक्यू, फिलअप एंड ट्रू फॉल्स फ्रॉम योर साइंस बुक एंड कॉपी फॉर सेकेंड टर्म एग्जाम। अच्छा, एमसीक्यू मतलब टिक मार्क। रूट वेजिटेबल्स आर ऑर्गेन्स फॉर स्टोरेज, न रिप्रोडक्शन न फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? स्टोरेज, क्योंकि फूड को स्टोर करके रखता है। द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ रूट टिप इज रूट कैप, बार्क न स्केल। रूट टिप का जो ग्रोइंग पॉइंट है उसे क्या बोलता है? रूट कैप। रूट कैप। द फ्लैट एरिया ऑफ लीफ इज लैमिना, न स्टिप्यूल न पेटियोल। लीफ का जो स्प्रेडिंग पोर्शन है वो है क्या? लैमिना। द स्टैमेंस आर मेल फीमेल, न बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्टैमेन होच्चे मेल पार्ट्स, और फीमेल पार्ट्स क्या है? जैसे ओवरी, स्टिग्मा, ये सब होच्चे फीमेल पार्ट्स। रेडिस इज मॉडिफाइड रूट, न स्टेम न लीफ। क्या होगा? रेडिस होच्चे रूट, जो सॉइल के नीचे होता है। ए फ्लावर हैज 4, 3, 5 पार्ट्स। क्या होगा? 4 पार्ट्स। क्या क्या? जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रिसियम, गार्निसियम। द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज, सीड का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? सीड कोट, ना एक्टोकार्प ना एंडोकार्प। क्या होगा? सीड कोट। टू कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट माने टू कॉटिलेडॉन। क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स इन डिफरेंट प्लांट, क्योंकि सेम प्लांट में जो होता है वो होते सेल्फ पॉलिनेशन। सेमी परमियाबल नीड्स फॉर ऑस्मोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ मेम्ब्रेन इन डिफ्यूजन प्रोसेस। पहले ऑस्मोसिस में सेमी परमियाबल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी। इन जर्मिनेशन प्रोसेस द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड। सीड से प्लांट ग्रो होता है जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू। द आउटर कवरिंग ऑफ मैंगो फ्रूट इज एक्टोकार्प। मैंगो फ्रूट में 3 तो कवरिंग है, एक्टोकार्प एकदम आउटर, उसके अंदर मेसोकार्प, और एकदम इनर पोर्शन में जो है एंडोकार्प। अंडरस्टैंड? नाउ फिल अप। डैश एब्जॉर्ब वाटर मिनरल। क्या? रूट। रूट एब्जॉर्ब वाटर मिनरल। डैश बियर नोड इंटर नोड। नोड इंटर नोड कहाँ पे होता है? नोड माने जहाँ पे, जहाँ से लीफ, ब्रांचेस ये सब होता है। फ्लावर कहाँ पे होता है? ये स्टेम में, स्टेम बियर। स्टेम डेवलप फ्रॉम प्लीम्यूल। स्टेम प्लीम्यूल से डेवलप होता है। एंड रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रूट कहाँ से डेवलप होता है? रेडिकल से, RADICLE। ए सीड इज ए राइपेन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में बदल जाता है, और ओवरी फ्रूट में। ओवरी इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्रूट। डैश नीड्स मेम्ब्रेन। कौन सा प्रोसेस को मेम्ब्रेन जरूरत है? ऑस्मोसिस। सीड कोट इज आउटर कवरिंग ऑफ सीड। सीट का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? सीट कोट। कवरिंग ऑफ रूट ऑफ द प्लांटलेट। प्लांटलेट माने जो प्लांट हुआ है, माने सीट से जो प्लांट निकलता है, उस छोटा सा प्लांट, उसे कहता है प्लांटलेट। उसका जो आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलता है? कॉलियोराइजा। कवरिंग ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांटलेट, और वो छोटा सा प्लांटलेट का जो स्टेम है उसका जो कवरिंग है उसे क्या बोलता है? पॉलियोप्टाइल। पहले रिमेम्बर, कवरिंग ऑफ रूट ऑफ द प्लांटलेट कॉलियोराइजा, और कवरिंग ऑफ स्टेम ऑफ द प्लांटलेट पॉलियोप्टाइल।
दो अलग अलग नेम है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सेपाल बा कैलिक्स, जो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट है और ग्रीन कलर का है, जिसके ऊपर पेटल है, कलरफुल पेटल जिसके ऊपर है बा कोरोला जिसके ऊपर है उसे क्या कहते हैं, सेपाल बा कैलिक्स। अंडरस्टैंड? नाउ रिवाइज दिस फ्रॉम योर साइंस बुक एंड कॉपी। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।